हेलो नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन होलिस्टी में मैं देवपाल आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। कैसे आप सभी। सीएम हरियाणा, अब खुलेंगे हरियाणा के स्कूल। अभी देखें क्या कुछ गाइडलाइन रहने वाली है स्कूल खुलने के समय। आप सभी के साथ शेयर करने वाला हूं आज की बड़ी खबर, तो वीडियो के अंत तक जरूर देखिएगा। रिक्वेस्ट करूंगा इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दे। एजुकेशन होलिस्टी पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं 50% बच्चों के साथ खोल सकेंगे स्कूल। कोरोना महामारी और लॉकडाउन के बीच स्कूल खोलने पर विचार कर रही है। इसके लिए हरियाणा सरकार ने केंद्र के पास प्रस्ताव भी भेजा है। 50-50% बच्चों को शिक्षण संस्थानों में बुलाया जाए। अगर सुझाव मान लिया जाता है तो लॉकडाउन के चौथे चरण में स्कूल में पढ़ाई हो सकती है। जेई की परीक्षा का रिजल्ट जल्द जारी किया जाएगा। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग जल्द ही रुके हुए रिजल्ट भी घोषित करेगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जानकारी दी है। कहा है कि हरियाणा सिविल जेईई की परीक्षाओं में जो 4,000 अभ्यर्थी बैठे थे उनका इंतजार खत्म होने वाला है। बाकी 3-4 परीक्षाएं और है जिनका रिजल्ट आना है। कोरोना के कारण रिजल्ट की गति धीमी हुई है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग जल्द ही घोषित करेगा, नियुक्तियाँ भी करेगा। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं आधे स्कूलों के साथ खुल सकेंगे सरकारी स्कूल। लॉकडाउन 4 के लिए प्रदेश सरकार ने अपनी कमर कस ली, आप सभी को बता देते हैं। और जो 50-50% बच्चों को बुला करके हरियाणा के स्कूल खोले जा सकते हैं लॉकडाउन 4 में, यानी कि अब लॉकडाउन 4 लगने वाला है। आज लास्ट दिन है लॉकडाउन 3 का, कल से लॉकडाउन 4 की घोषणा हो सकती है। जैसे कोई नई खबर आती है हरियाणा के शिक्षा मंत्री या फिर हरियाणा के मुख्यमंत्री ऐलान करते हैं आपको सबसे पहले बताई जाएगी। लेकिन स्कूल खोलने पर विचार किया जा रहा है, आपके स्कूल खोल सकते हैं 50% बच्चों के साथ, जिसे सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पूरा ध्यान रखा जाएगा। उसके साथ साथ मास्क भी लगाना अनिवार्य किया जाएगा।